और हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इन गाइडलाइंस के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी गांव या किसी भी शहर में अगर आपको किसी को कोई भी सिम्टम हो, तो चाहे आप हमारे कॉल सेंटर से अप्रोच करें, चाहे आपके जो क्लोजली अवेलेबल आपके हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी नॉलेज में डिटेल्स लेके आएँ, उन सबको हमने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट ऑनलाइन मोड्स के थ्रू ऑलरेडी ओरिएंट किया है। उन सबको हमने गाइडलाइन दिए हैं कि अगर इस टाइप का केस आपकी दृष्टि में आता है तो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने सुपरवाइजरी लेवल पर इन्फॉर्म करें और किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ये सेवाएं अवेलेबल कराएं। तो इसके थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हम फील्ड लेवल पर जल्दी से जल्दी किसी भी पॉजिटिव केस को डिटेक्ट कर सकें। मौसमी सिंह प्रमाता। मेरा पहला सवाल आईसीएमआर से है और दूसरा हेल्थ मंत्रालय से। सर, महाराष्ट्र सरकार ने आईसीएमआर को चिट्ठी लिखे अप्रूवल मांगी है क्लिनिकल ट्रायल्स को लेके, बीसीजी टेस्टिंग को लेके, और प्राथमिक जांच में कुछ काफी प्रभावशाली पाई गई है बीसीजी वैक्सीन, उसको लेके क्या कुछ फैसला लिया गया है, उनको अनुमति दी गई है। और दूसरा सवाल हेल्थ मंत्रालय से, सर 40 दिन का लॉजिक क्या है? 21 दिन का लॉकडाउन था तो कहा गया कि साइकिल पूरा हो जाएगा, पर इसको बढ़ाया गया है, तो 40 दिन का कोई लॉजिक है? मेडिकल भी लॉजिक है क्या? अच्छा, ये जो बीसीजी वैक्सीन ट्रायल करने का हिसाब है, आईसीएमआर कोई प्रोटोकॉल को अप्रूव कर सकता है, लेकिन ट्रायल की जो परमिशन होती है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया करके आईसीएमआर की होती है, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। दूसरा जो ट्रायल प्रोटोकॉल है वो सीडीएससीओ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनको अप्रूवल को देना पड़ता है, उसके बाद में वो ट्रायल कर पाते हैं। मैडम, हमारा मेजर एफर्ट है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे ब्रेक करें, और इसके तहत अगर आप देखें कि हम ये कहते हैं कि केसेस को अगर 28 दिन तक किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई केस ना आए, जो लास्ट केस नेगेटिव आए, तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि वहाँ पर केसेस आने बंद हो गए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाती है। इसके तहत ही हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति और साथ में लॉकडाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंस प्रमोट कर रहे हैं, ताकि इसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। मिस्टर रजत, इंडिया न्यूज़। सर, टेस्टिंग को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है लगातार। अभी आईसीएमआर ने भी बताया कि टेस्टिंग किट्स की हमारे पास कमी नहीं है, दूसरा लॉट आने वाला है, लेकिन एक बड़ा जो आप कह सकते हैं जो बातचीत चल रही है, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी भी है, कि टेस्टिंग में भारत बहुत पीछे है। क्या आप मानते हैं कि ये बात ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं, जिस हिसाब से टेस्टिंग देश में चल रही है वो सेटिस्फाइड है आपके लेवल पर? देखिए, जो किसने टेस्ट करना है, इसके जो गाइडलाइंस बने हैं वो उतने ही ब्रॉड है। अब अगर कोई आदमी एलिजिबल होगा, कोई इंसान चाहता है कि हमारे टेस्ट करना चाहिए, वो कभी भी अपने आप को टेस्ट करने के लिए वो करवा ले सकता है। अगर इसके बावजूद भी अगर वो संख्या कम रहती है, तो उसे उसका या तो ऐसे कहें कि उस किस्म के लोग हमको मिल नहीं रहे हैं, उनकी संख्या शायद कम होगी, इससे बढ़ के मैं कुछ कह पाऊँ ये मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि ऐसे तो हम किसी को ना नहीं बोलते कि इसको टेस्ट नहीं करना है, अगर वो एलिजिबल है तो करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारा शुरू से एक एफर्ट रहा है कि हम जो भी पर्टिकुलर हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करें। नॉन क्राइटेरिया बेस्ड अगर हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई टेस्टिंग करेंगे, तो जो हमारी अवेलेबल टेस्टिंग किट्स है उनका प्रॉपर यूज नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप देखें, हमारे देश में एक मेजर एफर्ट रहा है कि हम एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच में, एक एडवांस एक्शन के रूप में काम करें, जिसके तहत कि जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने 30 जनवरी को उन्होंने बोला, उसको अनाउंस किया, हमने उससे ही 12-13 दिन पहले हमने अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दी। तो हमारा जो एक एडवांस एक्शन की वजह से एफर्ट रहा है, तो कुछ हद तक हमें लगता है कि दैट हैज बीन ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज सो फार। और उसके तहत ही आज भी जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया में जो भी लोग हैं, उन सबको हम सैंपल्स को टेस्ट करते हैं, साथ ही हम प्रोग्रेसिवली अपनी सैम्पलिंग जोन भी बढ़ाते रहे हैं,
जैसे इससे पहले आपने एक रिसर्च पेपर के बारे में पूछा था, तो उसके तहत ही हमने सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस के रिलेटेड भी सैंपल टेस्ट किए। अब हमने रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी फील्ड में इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस शुरू किया है, तो जिसके तहत हम ओवरऑल प्रोसेस भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि टेस्टिंग किसकी होनी चाहिए, टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए जिसको टेस्टिंग की जरूरत है। मिस्टर प्रशांत, और आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप देख रहे थे दिल्ली से लाइव टेलीकास्ट, जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस